इंतजार करिए, आने वाले पूरे देश में आम आदमी पार्टी की सरकार होगी, कोई नहीं रोक सकता है। कौन सुरक्षा देखेगा? आप केंद्र में बैठे हैं, आपकी सुरक्षा आपका गारंटी है कि आप आम पब्लिक को सुरक्षा दें। आप एक मुख्यमंत्री को सुरक्षा नहीं दिला सकते हैं तो आम पब्लिक के लिए आप क्या करेंगे? कांग्रेस साफ हो गई देश से, अब देख रहा है कि भाजपा का भी बारी है। जैसे बंगाल में गुंडागर्दी होती है और वैसा हम लोग नहीं कर रहे, हम लोग सीधे सीधे जनता के द्वारा जनता के समर्थित होकर के हमला हुआ है उसके विरोध में घेर निंदा करते हैं हम लोग। और ऐसा कांड नहीं होना चाहिए। एक माननीय मुख्यमंत्री हैं और उनके घर पर कोई सुरक्षा नहीं है। जब मुख्यमंत्री के घर में घुस के कोई मार सकता है, हत्या करने का प्रयास करेगा, तो आम जनता का देश का क्या भविष्य है? कौन सुरक्षा देखेगा? आप केंद्र में बैठे हैं, आपकी सुरक्षा आपका गारंटी है कि आप आम पब्लिक को सुरक्षा दें। आप एक मुख्यमंत्री को सुरक्षा नहीं दिला सकते हैं तो आम पब्लिक के लिए आप क्या करेंगे? ये देश कहाँ जा रही है? आपकी पार्टी आज एक विस्तार की ओर है, उछाल की ओर है, प्रगति की ओर है, विकास की ओर है। उस मुद्दा को देख करके इन लोगों को जलन हो रहा है। इन लोग नेता को हटा देंगे, ऐसे ऐसे कितने अरविंद केजरीवाल पैदा हो जाएंगे, कितने को हम मार देंगे, कितने को मुख्यमंत्री से हटा देंगे। इसलिए हमारी मांग है कि आप देश में सत्ता में आप हैं तो आप देश के सब नागरिक को, देश के आम पब्लिक को सुरक्षा मुहैया कराएं, सबका विकास की बात सोचें, भेदभाव की नीति छोड़ दें। और इस निंदनीय कार्य के लिए आज हम लोग भाजपा के अगेंस्ट में माननीय गृह मंत्री के पुतला दहन का कार्यक्रम रखे हैं और ये पूरे देश लेवल पर है हम लोगों का। आप लोग को क्या लगता है कि दिल्ली के बाद पंजाब आ गया, इसलिए मतलब जो आप लोग अभी हम लोग का शुरुआत हुआ है। हाँ, भाजपा का एक खतरा की घंटी है। हम लोग विकास की ओर है, विकास मॉडल को देख करके आज हर स्टेट में बहुत तेजी से लोग आप पार्टी को चुन रहे हैं, बढ़ रहे हैं। हम लोग उत्तराखंड नहीं कर रहे हैं, जैसे बंगाल में गुंडागर्दी होती है और वैसा हम लोग नहीं कर रहे हैं। हम लोग सीधे सीधे जनता के द्वारा जनता के समर्थित होकर के जीते। पंजाब में जब उतनी वोट जीती है हमने तो क्यों, वहाँ कोई गुंडागर्दी नहीं हुआ, कोई लूटपाट नहीं हुआ, किसी ने कुछ किया नहीं और सीधे सीधे पहुँच गए बहुत दूर तक। और आज मान साहब ने जो कार्य कर दिया है कुछ ही दिनों में, वो ये सरकारें नहीं कर पा रही है, न तो झारखंड सरकार, न तो बिहार सरकार, न कोई काम। इसमें देखिए बीजेपी पूरी तरह से घबरा गई है, बेचैन हो गई है। कांग्रेस साफ हो गई देश से, अब देख रहा है कि भाजपा का भी बारी है। भाजपा समझ रही है कि अब मेरा कंपटीटर हो गया है। ये पूरे देश में दिल्ली के बाद तीन बार चुनाव लड़ी गई जिसमें सुपड़ा साफ कर दिया गया। इसके बाद पंजाब चुनाव हुआ, पंजाब में भी सुपड़ा साफ कर दिया गया। अब बीजेपी बौखला गई है कि आने वाले दिनों में हमारा सुपड़ा साफ हो जाएगा, इसलिए चुनी हुई सरकार अरविंद केजरीवाल, जिनको उनके घर के ऊपर एमएलए नहीं, देश के लोकसभा के सांसद के नेतृत्व में हमला किया जाता है, जो घोर निंदनीय है। और मैं अमित शाह से, मोदी जी से कहता हूँ कि इंतजार करिए, आने वाले पूरे देश में आम आदमी पार्टी की सरकार होगी, कोई नहीं रोक सकता है। यहाँ गुट को देखिए, देश में मॉडल ऑफ गवर्नेंस के चलते अमित शाह, मोदी जी, सब लोग घबरा गए हैं, देश बेचैन हो गया है सारी पार्टी। आने वाले 2024 में झारखंड में भी आम आदमी पार्टी की सरकार होगी। The followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in.